गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो है नंबर सम का एक पार्ट है। और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, ये क्वेश्चन आपने ऐसे सुने होंगे कि ऐसे एक ट्रेन में कुछ लोग हैं, स्टेशन पे इतने उतरे, इतने चढ़े, फिर दूसरे स्टेशन पे, फिर तीसरे स्टेशन पे, चौथे पे इतने बचे, तो प्रारंभ में कितने थे। या ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं कि एक टोकरी में कुछ सेब हैं, एक स्त्री ने पहले ग्राहक को कुछ दिया, फिर इतना बचा, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, अंत में इतना बचा, तो प्रारंभ में कितना था। तो आज हम लोग सीखेंगे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन सीखेंगे, और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति के पास टोकरी में कुछ सेब हैं, वह उनमें से आधे सेब और एक सेब का आधा अपने पहले ग्राहक को देता है, शेष के आधे और एक सेब का आधा दूसरे ग्राहक को देता है, वह ये प्रक्रिया तीसरे चौथे ग्राहक के साथ भी करता है, अंत में उसके पास 15 सेब बच जाते हैं, ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कितने सेब थे। चलिए, ये सवाल कैसे करने होते हैं ये समझिएगा। एग्ज़ाम में देखो, इस क्वेश्चन को कभी भी ऑप्शन से नहीं करना या कभी एक्स मान के नहीं करना, कैसे एग्ज़ाम में करोगे ध्यान देना। ठीक है, देखो टोकरी में जितने भी सेब हैं वो व्यक्ति क्या करता है, आधे सेब देता है और एक सेब देता है, या एक सेब का आधा देता है, दोनों सिस्टम बनते हैं। मैं दोनों सिखा दे रहा हूँ। पहले उसने एक से आधे सेब दिए, टोकरी में जितने सेब हैं उसके आधे सेब दिए और एक सेब का आधा सेब दिया। ऐसा उसने चार बार किया, ऐसा उसने कितनी बार किया, चार बार उसने ऐसा किया। अंत में उसके पास जो सेब बचे हैं वो 15 बचे हैं, कितने बचे हैं 15। पूछा है प्रारंभ में कितने सेब थे, ऐसा उसने पूछा है कि प्रारंभ में कितने सेब थे। अब एक चीज़ सुनना, थोड़ा समझना, अगर ये आधा सेब, अगर ये आधा सेब इसने चौथे वाले को ना दिया होता, आधा सेब चौथे वाले को ना दिया होता, तो यहाँ पे 15.5 बचते, कितने बचते, 15.5। अब एक चीज़ आपको पता है, अगर कोई चीज़ आधी दी गई है तो आधी बची होगी, आधी दी है तो आधा बचा होगा। जैसे 1/2 हिस्सा दिया तो बचा कितना, 1/2, लेकिन अगर 1/3 दिया तो बचा कितना, 2/3, 1/4 दिया तो बचा कितना, 3/4। वैसे यहाँ पे उसने आधा दिया है तो बचा कितना होगा, आधा, तो आधा जो बचा है वो 15.5 है, और आधा 15.5 है तो इसका दुगुना कितना होगा, 31 हुआ। ऐसे ही करना है, आधा ना दिया होता 31.5, आधा दिया तो आधा बचा, आधा 31.5 तो पूरा कितना हुआ, 63, आधा ना दिया होता 63.5, आधा 63.5 तो पूरा कितना, 127। अब अगर आधा ना दिया होता 127, पूरा कितना, 255। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 255। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इतना कर पाओगे। एक बार और प्रैक्टिस करिए, एक बार और समझिए। जैसे उसने आधा सेब दिया, एक सेब का आधा दिया, आधे सेब दिए और एक सेब का आधा दिया, आधे सेब दिए और एक सेब का आधा दिया, फिर आधे सेब दिए और एक सेब का आधा दिया, अंत में उसके पास 15 सेब बचे, कितने बचे, 15। अगर ये आधा ना दिया होता तो 15.5 बचते, और आधा 15.5 तो पूरा 31 होता। ये आधा ना दिया होता 31.5 होता, आधा 31.5 तो पूरा 63 होता। तो अगर आधा ना दिया होता 63.5 होता तो पूरा 127 होता, आधा ना दिया होता 127.5 तो पूरा कितना, 255। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 255। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। एक व्यक्ति के पास टोकरी में कुछ सेब हैं, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति के पास टोकरी में कुछ सेब हैं, वह उनमें से आधे सेब और एक सेब का आधा अपने पहले ग्राहक को देता है, शेष के आधे और एक सेब का आधा वह दूसरे ग्राहक को देता है, वह ये प्रक्रिया तीसरे चौथे पांचवें ग्राहक के साथ भी करता है, वह यह प्रक्रिया तीसरे चौथे और पांचवें ग्राहक के साथ भी करता है, अंत में उसके पास टोकरी में 3 सेब बच जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। अंत में टोकरी में कितने सेब बचे हैं, 3। पूछा है प्रारंभ में कितने सेब थे, और 5 बार उसने ऐसा किया है। ठीक है, तो लिखने का मेथड वही, लिखने का मेथड, कभी इसको ऑप्शन से नहीं करना, कैसे करना है ध्यान देना।
आधे सेब दिए और एक सेब का आधा, फिर आधे दिए, फिर एक सेब का आधा, फिर आधे दिए और एक सेब का आधा, फिर आधे दिए, फिर एक सेब का आधा, फिर आधे दिए और एक सेब का आधा, कुल 5 बार किया। अंत में कितने बचे हैं? 3। अगर ये आधा ना दिया होता तो 3.5 बचते, अगर 1/2 हिस्सा दिया तो बचा भी 1/2, तो इसका 3.5 का दुगना कितना हुआ? 7। आधा ना दिया होता 7.5 का दुगना कितना हुआ? 15। आधा ना दिया होता 15.5 तो पूरा कितना हुआ? 31। आधा ना दिया होता 31.5 तो पूरा कितना हुआ? 63। आधा ना दिया होता 63.5 पूरा कितना हुआ? 127। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है वो क्या बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए समझिएगा। सवाल ये है, क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के पास टोकरी में कुछ सेब है, ध्यान दीजिए टोकरी में कुछ आम है, वह उनमें से आधे आम और एक आम पहले ग्राहक को बेचता है, शेष के आधे और एक आम दूसरे ग्राहक को बेचता है, वह यह प्रक्रिया तीसरे और चौथे ग्राहक के साथ भी करता है, अंत में उसकी टोकरी में केवल एक आम बचता है, तो प्रारंभ में कितने आम है, ऐसा उसने पूछा। देखिए यहाँ पे क्या है, उसने आधे आम दिए और एक आम दिया, ऐसा उसने बोला है। क्या बोला उसने? आधे आम दिए और एक आम दिया। कैसे करना होगा समझना, कैसे करना होगा? पहले उसने आधे आम दिए, टोकरी में जितने आम है उसके आधे आम दिए और एक आम दिया, फिर उसने आधे आम दिए फिर एक आम दिया, फिर उसने आधे आम दिए और एक आम दिया, फिर उसने आधे आम दिए और एक आम दिया, अंत में कितने आम बचे? एक आम बचा, ऐसा उसने बोला है। अच्छा सुनना, अगर ये एक आम नाश वाले को ना दिया होता तो यहाँ 2 बचते। अब ये बताओ, आधा दिया तो बचा भी आधा, आधा 2 तो पूरा कितना हुआ? 4। यहाँ पे आ गया 4। अगर एक ना दिया होता तो ये 5 होता, आधा 5 तो पूरा 10। अब ये अगर एक ना दिया होता तो 11 होता, आधा 11 तो पूरा 22। एक ना दिया होता आधा 11 तो पूरा कितना हुआ? 22। अब यहाँ पे एक ना दिया होता तो 23 होता, आधा 23 तो पूरा कितना? 46। इस क्वेश्चन का सबसे आसान मेथड यही है, क्वेश्चन को लास्ट से शुरुआत करें और ऊपर तक पहुंच जाए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान सवाल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप कर पाएंगे। एक थोड़ा इसका चेंज सवाल है, देखिएगा वहां पे क्या किया, हर बार आधा ही नहीं होगा, ये जरूरी नहीं हर बार आपको आधा ही दिया हो, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या है। एक व्यक्ति के पास टोकरी में कुछ सेब हैं, एक व्यक्ति के पास टोकरी में कुछ सेब हैं, वह कुल सेबों के आधे सेब और अपने कुल सेबों के आधे सेब और अपने पहले ग्राहक को बेचता है, आधे सेब और एक सेब अपने पहले ग्राहक को बेचता है, शेष का 1/3 और एक सेब दूसरे ग्राहक को बेचता है, शेष का 1/5 और एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है, अंत में उसके पास टोकरी में 3 सेब बचे, तो प्रारंभ में कितने सेब थे, ऐसा उसने पूछा। क्या करना है? सेम वैसे ही करना है, ध्यान दीजिए समझिए कैसे करना है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है, 1/2 सेब और एक सेब, 1/3 सेब और एक सेब, 1/5 सेब और एक सेब, अंत में बचे कितने? 3। यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, अगर ये एक ना दिया होता तो यहां पे 4 होते। ठीक है, अब एक चीज सुनना, 1/5 दिया, 1/5 दिया तो बचे कितने? 4/5। 1/5 दिया तो बचे कितने? 4/5, और 4/5 का मान 4 तो 1 का मान 5 आ गया, 4/5 का मान 4 तो 1 का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे 5 होता, 1 ना दिया होता तो 6 होता, अगर 1 ना दिया होता तो 6 होता, 1/3 दिया तो बचा कितना? 2/3, और 2/3 का मान 6 तो यहाँ से 1 का मान कितना मिला? 9, तो यहाँ पे कितना मिला? 9। अब 1 ना दिया होता तो 10, 1 ना दिया होता तो कितना होता? 10। अब आधा दिया तो बचा भी आधा, आधा 10 तो प्रारंभ में कितने आम थे? 20। तो अगर बोला जाए टोकरी में प्रारंभ में कितने आम थे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको, इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे आज के बाद आप लोग कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी ऑप्शन से नहीं करना, कभी भी एक्स मान के नहीं करना, क्वेश्चन को शुरुआत लास्ट से करना और ऊपर तक वापस जाना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और यही इसका सबसे आसान मेथड है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा अगला सवाल आपकी सीट में जो दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, यदि 10 पुरुष कार्यस्थल P से Q के लिए स्थानांतरित किए जाते हैं तो P और Q में पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। तो सुनना, देखो हमने ये माना कि P में कुछ पुरुष हैं,
ध्यान दीजिएगा, एक मैंने आपको सॉल्यूशन लिख के दिया है, पी में कुछ पुरुष हैं, एक्स में कुछ पुरुष हैं, यानी पी में माना एक्स है और क्यू में वाई है, यहाँ से 10 गए और यहाँ पे 10 आ गए तो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आगे क्या बोला है, यदि 20 पुरुष कार्य स्थल क्यू से पी में स्थानांतरित किए जाते हैं, क्यू से गए मतलब यहाँ से 20 गए और यहाँ पे 20 आ गए, तो यहाँ पे जो संख्या, उसने क्या बोला कि क्यू में पुरुषों की संख्या पी से आधी हो जाती है, तो पी में संख्या क्यू में क्या होती, आधी, तो यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे, इससे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका एक समीकरण ये बना और एक समीकरण ये बना, इन समीकरण को सॉल्व किया तो एक्स का मान कितना मिल गया, 100। तो प्रारंभ में समय कितने थे, एक्स का मान कितना आ गया, 100। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। करना क्या होता है, जहां से गए, जैसे बोला कि पी से गए, तो पी से गए मतलब पी में माइनस, और किस में गए, क्यू में गए तो क्यू में प्लस, यहां से 20 गए तो यहां माइनस, यहां आए तो प्लस का 20, अब यहां आधी हो गए, दुगना किया, बराबर किया, समीकरण सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने ऐसे लिख दिया था, तो उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ भी चुका है कई बार। सवाल क्या है, यदि एक संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार लिखें तो उसका योग 120 प्राप्त होता है। सुनना, किसी संख्या को 3 बार लिखो या उसको 3 से गुणा कराओ, बात तो वही है, किसी नंबर को 3 बार लिखो या 3 से गुणा कराओ, बात तो वही है। एक नंबर को 3 बार और दूसरे को 2 बार लिखा, एक को 3 बार दूसरे को 2 बार लिखा, तो उसका योग कितना मिला, 120 मिला। लेकिन पहले को 2 बार लिखें और दूसरे को 3 बार लिखें तो योग 100 मिला, ऐसा सवाल ने बोला है। अब ये चीज जान दो, यहाँ 3, यहाँ 2, यहां 2, यहां 3। अब क्या ऐसे क्वेश्चन, जब भी ऐसा समीकरण बने तो एक बार इसको जोड़ लो, एक बार इसको घटा लो, दोनों को जोड़ा, 5x plus 5y बराबर कितना, 220 हो गया, तो x plus y का मान 44 मिल गया। अब इसको घटा लो तो x minus y का मान आपको 20 मिल गया, y से y कटा, 2x का मान 62, तो x का मान 32 और y का मान 12। बोला बड़ा मान क्या है तो 32, छोटा मान क्या है तो 12। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, आप लोग ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको बोला, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए कैसे करना होगा, देखिए समझिए। ठीक है, क्या बोला गया है, 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग बोला है 4707, अंकों का योग है, तो बोला है n का मान क्या है, क्या पूछा है, n का मान कैसे करना होगा, सुनना। देखो बच्चों, अगर तुम n का मान 1 लिखोगे तो हमें इसका मान 9 मिलेगा, n का मान 2 लिखोगे तो हमें 99 मिलेगा, n का मान 3 लिखोगे तो 999 मिलेगा, n का मान 4 लिखोगे तो 9999 मिलेगा, n का मान 5 लिखोगे। तो आपने एक चीज़ सीखी कि जितनी बार n का, जो n का मान रखते हो हमें 9 उतनी बार मिलता है। चेक करो, जैसे यहाँ पे रखो आप, n का मान 2 रखो तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, 2 बार 9, n का मान 3 रखो 3 बार 9, 4 रखो 4 बार 9। अब देखो ये इसका योग दिया था, क्या दिया था इसका योग, अच्छा ये बताओ हम 9 को कितनी बार लिखें कि उसका योग 45 मिल जाए, हम 9 को कितनी बार लिखें कि योग 45 मिल जाए, तो 45 में 9 का भाग दो, हम 9 को कितनी बार लिखें, 5 बार लिखोगे, जब 9 को 5 बार लिखोगे तभी तो इसका योग 45 होगा। अच्छा इसका जो योग मिला है 4707 मिला है, कितना मिला, 4707 मिला है, तो आप क्या करो इसको 9 से भाग दे दो, क्या कर दो, 9 से भाग दे दो। तो 9 से जब भाग आपने दिया तो कितनी बार लिखा होगा, तो क्या आया, 523 आया। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि n का मान क्या है तो आंसर क्या है, 523। ठीक है, तो जब 9 को 523 बार लिखोगे तो उसका जो योग होगा वो 4707 मिलेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिएगा समझिएगा।
आगे जो आपका ये नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप आपको ये सिखाना पड़ेगा। तो अगर आपको इतना वीडियो समझ में आ गया हो, एक क्वेश्चन ये देख लो, इसके बाद ये जो टाइप है ये आपको मैं पूरा नेक्स्ट टाइप में सिखाऊंगा, ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो सुनिए कैसे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया था वो क्या था, ये बोला गया था कि एन एक धनात्मक पूर्णांक है, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा किससे भाज्य होगा, ऐसा उसने बोला, हमेशा किससे भाज्य होगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखो n यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, n का मान 0 ही ले सकते, 0 लोगे तो 0 मिल जाएगा, तो n का मान क्या ले लो, 1 ले लो, क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो 3 की पावर 4 का मान कितना हुआ, 81, और 4 की पावर 3 का मान कितना हुआ, 64, तो दोनों का अंतर कितना मिला, 17, क्या मिला, 17। तो अगर तुम n का मान यहाँ 2 रखोगे तो जो मान मिलेगा वो 17 का गुणज होगा, 3 रखोगे तो भी 17 का गुणज होगा, तो किस नंबर से भाज्य होगा, तो आंसर क्या है, 17। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए, जरूर कमेंट करना। कल आपको नेक्स्ट वीडियो इसका मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन SSC ये क्वेश्चन UPPCS के एग्जाम में इस बार भी आया था, UPPCS के जो CSET का एग्जाम होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन इस बार भी आया था, तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे टाइप से समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।